जेई मेन 2020 में 7th जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एक पेपर है, एक क्वेश्चन है, ये है पैरामिथाइल एनिलीन, या इसको बोलते हैं पैरा टोलुइडीन, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से करा के प्रोडक्ट ए बनाते हैं, जिसका हम बाद में ब्रोमिनेशन करवाते हैं एसिडिक मीडियम में और प्रोडक्ट बी बनता है। क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट बी विल बी, क्या क्या आंसर्स है। इन्होंने NHCOCH3 सब में लगाया, ठीक है ना। तो NHCOCH3 के साथ और इस स्केल्टन में ऑर्थो पे ब्रोमो लगाया, पहला प्रोडक्ट। दूसरे में इन्होंने यहाँ पे ऑर्थो पे ब्रोमो लगाया और CH2Br बना दिया, ये दूसरा प्रोडक्ट बनाया। तीसरे में इन्होंने मेटा पे ब्रोमो लगाया, ठीक है, और आखिरी वाले में इन्होंने ऑर्थो पर COCH3 लगाया, बाकी NHCOCH3 कर रखा है, ठीक है। तो चेक करते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। आप देखें, अगर किसी एनिलीन की रिएक्शन आप एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हो, CH3COOCOCH3 से, तो ये एक SN2AR रिएक्शन होएगी, सॉरी SN2TH रिएक्शन होएगी और कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक हो जाएगा। दिस इज एन SN2TH रिएक्शन। TH स्टैंड्स फॉर द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट विच इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, राइट। अब ये जो है, ये CH3COOH इसमें से बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा NHCOCH3, जैसा कि इन्होंने सभी में लिखा है। तो ये एक क्लियर हिंट है कि NH2 का तो प्रोटेक्शन हो गया, NH2 को इन्होंने एमाइड में कन्वर्ट कर दिया। दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटनिलाइड। अच्छा, यहाँ पैरा पे मिथाइल लगा हुआ है जो कि एज इट इज लगा रहेगा, ठीक है। अब अगर इसका ब्रोमिनेशन करवाते हो तो जो Br प्लस आएगा वो इसकी मर्जी से आएगा, क्योंकि ये प्लस एम ग्रुप है और ये है प्लस हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई का ग्रुप, ये दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन क्योंकि ये प्लस एम और स्ट्रांग है तो इसकी मर्जी चलेगी। जब कभी दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या दो ERGs लगे हों तो नया इलेक्ट्रोफाइल उसके ऑर्थो या पैरा पर आता है जो स्ट्रांग ERG होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रांग ERG इसमें ये है और इसका पैरा ब्लॉक्ड है, तो अभी ऑर्थो पर आएगा, ये होता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। तो इसलिए हमें मिलेगा एक इस तरह का प्रोडक्ट जिसमें ऑर्थो पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा। अगर पैरा ब्लॉक्ड ना होता तो पैरा पर मेजर प्रोडक्ट मिलता, क्योंकि इसका जो प्लस एम है और साथ में जो माइनस आई है तो माइनस आई पैरा पर इफेक्टिव नहीं रहता है, इसलिए पैरा पर मेजर बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पैरा इन्होंने ब्लॉक कर रखा है तो अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता है कि हम ऑर्थो पर ब्रोमिनेशन करवा दें, ठीक है। इसको नोट करें।